आज 10 टुडे 8:30 PM मीटिंग अगेन. तो इस 1st of December 2022 ईयर की तरफ बढ़ते हुए हम लोग. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक्स में मोस्टली हम रिफ्लेक्शन वाला पार्ट देख रहे थे. ठीक है, अगर आज टाइम बचेगा देन वी विल आल्सो ट्राई टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, है ना. वी विल आल्सो ट्राई टू स्टार्ट द रिफ्रैक्शन वाला पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन वाला पार्ट फर्स्ट. सो रिफ्लेक्शन में हम लोग ने ऑलमोस्ट कई चीजें देख और समझ और पढ़ ली. जैसे क्विक रिविजन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सो हमने जो जो रिविजन कर लिया था उसमें जो खैर मेन मेन चीजें हैं जल्दी से वो देख लेते हैं. सो इफ यू रिकॉल आई टोल्ड यू अबाउट सम मिरर फॉर्मूला वगैरह, है ना. लास्ट क्लास में यही हुआ है. Yes sir. Yes sir. Mirror formula we have derived. So mirror formula is nothing but 1 upon F is equals to 1 upon V plus 1 upon V. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सबको आता है, 10th में पढ़ा है हम सबने. Apart from it, if you recall, we have also talked about something known as linear magnification, है ना. Linear magnification. And linear magnification में भी याद रखना, ये वही वाला है जिसमें तुम लेटरल मैग्निफिकेशन की बात करते हो. मतलब ऐसा तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो खड़ा खड़ा है. इफ ऑब्जेक्ट इज हॉरिजॉन्टल देन यू शुड नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला. याद रखना ये सिर्फ किस लिए है, वर्टिकल हाइट. सिर्फ वर्टिकल हाइट मेजर करने के लिए है. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, आई बाय ओ इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू. क्या मैंने तुम्हें वेलोसिटी वाला फॉर्मूला भी कराया था? नो सर, नहीं कराया. चलो वो आज कर लेंगे. ठीक है, सो फार इतनी चीजें हुई थी. अच्छा, तुम लोग ने बोला था सर रे डायग्राम भी कर लेना, है ना. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस कॉन्सेप्ट जिसमें हम पहले क्या ही डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, रे डायग्राम. ठीक है, रे डायग्राम बनाने से पहले देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड. वो रूल्स क्या क्या होंगे जल्दी जल्दी से तुम्हें पता होंगे, याद करते जाना. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है वो बोलता है कि ऑल द डिस्टेंसेस नीड्स टू बी मेजर्ड. ये ऑल द डिस्टेंसेस शॉर्ट में लिख देता हूँ, टू बी मेजर्ड. कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम ऑप्टिकल क्या सेंटर और पोल. ठीक है, यस सर. अरे यार, ये क्या है, ये लिख रहा हूं, दीज आर सर्टेन रूल्स फॉर रे डायग्राम. हाँ, मेकिंग रे डायग्राम. ठीक है, राइटिंग का इशू लगे तो बोल देना, है ना. जस्ट टोक देना एक बार अगर कुछ समझ में नहीं आया तो. ठीक है, गीतांजलि हाय. ठीक है, दूसरा क्या होगा रूल, फर्स्ट रूल तो सबको याद है. दूसरा रूल क्या होगा, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, रे इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे कैसी लेनी है, हमेशा पॉजिटिव और ऑलवेज पॉजिटिव, एल्स नेगेटिव. ठीक है, व्हाट इज द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड माय स्टूडेंट्स, दैट ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव क्या पॉजिटिव, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, एल्स नेगेटिव. ठीक है, दीज आर द थ्री बेसिक रूल दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड. एंड अपार्ट फ्रॉम इट एक चौथा रूल है, वो कुछ याद नहीं रखना है, बस तुम्हें पता होना चाहिए. ये इट्स एन अजम्पशन, मोर सॉर्ट ऑफ अजम्पशन. सो वी हैव अज्यूम्ड अज्यूम्ड ऑल द रेज आर वेरी क्लोज टू क्या प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, आप आगे बढ़े जल्दी से. नो सर. बढ़िया से, चलो चालू हो जाते हैं. पापा का नाम लेके वील स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग दैट वील अंडरस्टैंड इज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय फॉर्मेशन
ऑफ इमेजेस इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर, ये चीज मैं बताता जाऊं वैसे वैसे याद करते जाना, बिकॉज व्हेन वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स आई वांट यू टू वेरीफाई, जब भी तुम्हारी वी की वैल्यू आए, यू की वैल्यू आए, एफ की वैल्यू आए, तुरंत वेरीफाई करो पॉजिटिव आ रही है कि नहीं, निगेटिव आ रही है कि नहीं, पॉजिटिव आनी चाहिए या नहीं, निगेटिव आनी चाहिए या नहीं, आई ऊपर आना चाहिए नहीं, इन्वर्टेड होना चाहिए नहीं, ऑल इन ऑल दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, पहला केस लेते चलते हैं, दूर रखते हैं, सबसे दूर ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहाँ रखते हैं, सबसे इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, सही है ना, चलेगा चलेगा इतना तो है ना। यस सर, कॉपी कर लेता हूँ जिससे बार बार मुझे बनाना ना पड़े। हाँ ठीक है ठीक है, फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से पैरेलल ले जाएंगे। अच्छा सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, हर केस में तुम्हें सबसे पहले तो मार्क करके रखने हैं सबसे मेन पॉइंट जो जो है, व्हाट आर दी मेन पॉइंट्स, फोकस, सबसे पहले तो पोल मार्क कर देता हूं मैं, पोल, पोल से ले लो इधर फोकस और फिर ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सी, सॉरी ये हो गया तुम्हारा एफ कैपिटल, ये हो गया पी, ये हो गया आर, आर तो डिस्टेंस हो गई। हाँ अब ठीक है, अब जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी से रेज लाओ, कहाँ पे मिला दो, फोकस, फोकस पे, है ना, इन्फिनिटी से रेज लाओ, कहाँ मिला दो, फोकस। ठीक है, इन्फिनिटी से रेज आई कहाँ गई, फोकस पे, इन्फिनिटी से रेज आई कहाँ गई, फोकस पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसमें इमेज की, जो जो इमेज बनी वो कैसी है, इमेज इज रियल, रियल कैसी है, रियल क्यों है, व्हाट्स रियल, बिकॉज इट्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर, और कैसी है सेकंड, हाईली डिमिनिश्ड, कैसी है, डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, ऑलमोस्ट पॉइंट साइज। ठीक है, यहां तक क्लियर, दिस इज द फर्स्ट केस, सेकंड केस क्या होगा, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, बिफोर सेंटर, बियॉन्ड या बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसमें देख लो जल्दी से। अच्छा इसको तुम्हें वैसे भी लिखना आना चाहिए, इसको अपन कैसे लिखते हैं, इसको अपन, इफ आई वांट टू राइट इट, हाउ विल आई बी राइटिंग इट, देखो ध्यान समझना, आई बी राइटिंग समथिंग लाइक दिस, है ना, यू इज, यू इज लेसर देन आर। ठीक है, वाई एम राइटिंग यू इज लेसर देन आर, क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, बोलो, गलत है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू इज ग्रेटर देन समझ में आया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, बिकॉज यू क्या है मेरा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऐसे लिख लो या तो माइनस इंफिनिटी से और किसके बीच में है, आर के बीच में, समझ पा रहे हो, देखो आई एम राइटिंग इट इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स, तीनों फॉर्म समझ पा रहे हो,
यस सर, इसको ध्यान से देख लो सब, एक फॉर्म ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है? बोलो। यस सर। क्लियर है सबको यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सबसे पहले बना लो तुम अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट, अब तुम्हें पता है फ्रॉम द स्टडी ऑफ प्लेन मिरर हाउ मेनी, एटलीस्ट हाउ मेनी रेज वी रिक्वायर टू मेक द रे डायग्राम? टू। रे आएगी रिफ्लेक्ट होके कहां से निकलेगी? हमेशा पैरेलल रे, जो भी पैरेलल रे है सारी नहीं होती है, पैरेलल रे के लिए होती है। तो पैरेलल रे कभी भी आ रही है वो कहां से पास ऑन करेगी? ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्लेक्शन इट हैज टू पास थ्रू द फोकस, ठीक है? अब अपार्ट फ्रॉम इट, एक यहाँ पे तुम्हें पता है जो नॉर्मल होगी वो नॉर्मल हमेशा कहां से पास हो रही होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये तुम्हारी नॉर्मल है। अभी नॉर्मल कह लोग अगर कोई भी रे आएगी, सॉरी ना नॉट रो, कोई भी रे आएगी तो वो उसी पाथ में ट्रेस बैक कर जाएगी, कर जाएगी या नहीं? यस सर। यस सर। नॉर्मल के लोग जो भी रे आएगी वो ऐसी की ऐसी क्या कर जाएगी? पास कर जाएगी, चली गई। तो अपन हर जगह बार बार पूरी नहीं बनाएंगे, ठीक है? यहीं तक बनाने के छोड़ देंगे और जहां पे भी दोनों मिलेंगी वहां पे हम क्या बोल देंगे, ये क्या है मेरा? इमेज फॉर्मेशन, इमेज पॉइंट, ये मेरा इमेज पॉइंट है। क्लियर है? बोलो। दिस इज आई, दिस इज ओ। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो सबको पता है नेचर, इफ आई आस्क यू द नेचर ऑफ इमेज, सो नेचर ऑफ इमेज कैसी है? नेचर ऑफ इमेज है ना, सबसे पहली चीज सबको पता है इट इज रियल। व्हाई इट इज रियल? इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। सेकंड क्या है? इनवर्टेड, डिमिनिश, चलो इनवर्टेड भी लिख दो, इनवर्टेड। तीसरी क्या है? पोजीशन भी पता होनी चाहिए यहाँ पे, फिर लास्ट की तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन क्या है? बिटवीन सी एंड सी। सॉरी गाइस, सो सॉरी, सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? सी एंड एफ, बिटवीन। हाँ, जो भी वी है वो क्या है? बिटवीन सी एंड एफ है, ठीक है? अच्छा, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, व्हाई आई एम राइटिंग इज इन दिस वे, तुम्हें भले ही डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो वी होगा वो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ से क्या होगा? ज्यादा। बट व्हाई आई एम राइटिंग इन दिस फॉर्म, बिकॉज तुम यहाँ पे सब चीज क्या ले रहे हो, दिस इज योर नेगेटिव डायरेक्शन है ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो माइनस का वी होगा वो ऑब्वियसली एफ से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना? दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग कि वी छोटा एफ से। yes, समझ पा रहे हो ये चीज? सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस थिंग। क्लियर है? बोलो, ये दो चीजें क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट चीज डिस्कस करें। और केस क्या होगा? चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, दूसरा हो गया। तीसरा केस क्या होगा? एट सी, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? यू इक्वल्स टू सी, या इसको वी शुड राइट आर है ना, आर से लिखते हो, यू इक्वल्स टू आर। देखो कैसे बना रहा हूं मैं, है ना? जिसको नहीं आता है, वैसे तो मोस्टली को आता होगा, आई एम प्राउड ऑफ यू, बट स्टिल आएगा, है ना? एक रे आई, रिफ्लेक्ट कहां से हो गई? रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल रे कहां से पास करेगी? फोकस से। फोकस से। और जो दूसरी रे होगी वो ऑब्वियस सी बात है कि कहां से जानी चाहिए? उसके नॉर्मल से, उसके नॉर्मल से वापस हो जाएगी। तो वैसे तो यहाँ से होनी चाहिए, बट दूसरी रे हम यहाँ पे बना नहीं पाएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे मिरर है नहीं कि ट्रेस बैक कर जाए। मेरी बात समझना, यहाँ पे अपने पास मिरर नहीं है कि मैं एक रे ऐसी बना दूं और फिर उसको यहीं से ट्रेस बैक करा दूं। दैट इज नॉट ट्रू यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास मिरर नीचे नहीं है, बट मुझे दूसरी रे चाहिए। तो दो रे के लिए मैं क्या करूंगा? दूसरी रे देखो कैसे बनाऊंगा, होल पर। हाँ, दूसरी रे दिव्यांशी अपन ऐसे बना लेंगे, वो सिर्फ इसी केस में होता है बस,
जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस से आएगी उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पे दोनों मिलेंगी, इसको तुम क्या बोलोगे? इमेज और ऑब्जेक्ट। बोलो, क्लियर है सबको ये डायग्राम? यस सर। यस सर। आई आस्क यू, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होंगी? वर्चुअल, रियल, 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 रियल इनवर्टेड। रियल क्यों है? इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर। दूसरा केस क्या है? अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोल रहा हूँ तो रियल ही हो। वैसे तो इस केस में हमेशा रियल ही होगी अगर इन फ्रंट ऑफ द है तो, बट स्टिल ठीक है। सो रियल। दूसरा केस क्या होगा? इनवर्टेड। तीसरा केस क्या होगा? सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज, ठीक है। और रेड सी बनेगी, है ना? पोजीशन क्या है? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी V equals to R, है ना? Next discuss करें। Next case क्या possible है? Between C and F. Between C and F. तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? U जो होगा वो छोटा होगा F से, but बड़ा होगा R से. Absolute value of U जो होगी वो बड़ी होगी किससे? F के मैग्नीट्यूड से, है मैग्नीट्यूड वाइज। जहां पे तुम्हें मैं एक बहुत मस्त चीज बताऊंगा उसको ऑब्जर्व कर। अरे यार अगेन पैरेलल रे आएगी, दिव्यांशि कहां से पास हो जाएगी बेटा? फोकस से। ऐसे आई तो ऐसे पास ऑन हो गई। दूसरी रे कहां से जाएगी? सर उसके नॉर्मल पे। इमेज को थोड़ा और पास रख लेते हैं। सर यू अब आर से कम होगा ना? क्या यू की वैल्यू आर से कम होगी ना? नहीं, बड़ी होगी। वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम होगी। मैंने देख साइन नहीं लगाया है, मैंने यहाँ पे साइन, मैंने यहाँ पे साइन नहीं लगाया मैग्नीट्यूड की। देखो ये देख लो, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज आर जरूर यू से बड़ा है, बट क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइंस आर ठीक है, इसीलिए मैंने उसको वैसे लिखा है। ओके, तो कंफ्यूज मत उस चीज को लेके, ठीक है? कौन पूछ रहा था? ठीक है, कौन पूछ, कौन रहा था? हिमांशु पूछ रहा था क्या? यस सर। नहीं हिमांशु अभी तो नहीं बेटा कंफ्यूज? नहीं सर। पहले वाला ही सही था यार। वेट सर, पोल से हो जाता है। नहीं कोई नहीं, पीछे बना देते अपन थोड़ा सा। या एक और तरीका होता है इसको करने का, पहले मैं ये लाइन बना देता हूँ, ठीक है, फिर ये लाइन बना देता हूँ। देख लो, तुम लोग भी देख लो, ये चीज कभी इशू आए तो पहले क्या बना लो तुम, इमेज बना, बाद में बनाते उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये चीज अपन करते हैं कब? जब टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप बना रहे होते हैं, जब टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप बना रहे होते हैं ना, उस केस में वी यूज्ड टू डू दिस, कि पहले क्या बना लो, इमेज, पहले इमेज बना लो अपने हिसाब से ज्यादा, बिकॉज उसमें रब नहीं हूं कभी, और एग्जाम में तो बहुत हल्के हाथ से ही बनाना। दिस इज आई, दिस इज ओ। फिर से कैसी है प्रॉपर्टीज? इफ आई वांट टू राइट द प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? रियल है, रियल, इनवर्टेड है, इनवर्टेड, लार्जर देन इमेज, रियल, इन फ्रंट ऑफ मिरर, जो है मिरर। दूसरी इनवर्टेड, तीसरी लार्ज, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, एनलार्ज या मैग्नीफाइड,
देयर आर मल्टीपल वर्ड्स दैट यू वांट टू यूज, यू कैन यूज मैग्निफाइड, ठीक है. और पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी. लिखने वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इनफिनिटी से v की वैल्यू r के बीच में, ठीक है, बीच में. और वैल्यू वाइज बात करूं तो v बड़ा है r, ठीक है ना. अब क्या करेंगे? एट f एट फोकस, ठीक है. सो u इक्वल्स टू v f. मैंने लिखा भी तो सब भी बोलो, है ना. लास्ट में भी इसका चार्ट बनाऊंगा तो वो चार्ट याद रखेंगे. ओके ओके सर. अब दो तरीके से बनते हैं डायग्राम. मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूं, बट ये वाला बोलो तो नहीं भी बनाऊंगा. पहले देख लो, चाहे दोनों टाइप से बना दो. ये देखो, ये कभी भी नहीं मिलने वाली पैरेलल रेस. ओके, एक और तरीके से बनता है, वो एक और तरीका भी देख लो, बिकॉज़ वो ज्यादा इजी रहता है. तो वो ये भी सही है और ये भी सही है. बस डिफरेंस क्या है, पहले में अपन ने क्या कर लिया है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया है. क्या लिया है? एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया है. दूसरे मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट है. ये देखो, अभी तुमने ऐसा रे डायग्राम कहीं देखा है क्या पहले? अभी yes, जस्ट बनाया है ना, yes. अभी जस्ट बनाया था, उसका जस्ट उल्टा ही है. ये देखते चलो, जस्ट रिवर्स है. प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी यहाँ पे, जल्दी जल्दी बताते हो. रियल इनवर्टेड, रियल हाईली एनलार्ज, दिखती भी नहीं, इतनी एनलार्ज हो गई है. लास्ट क्या है? At infinity. At infinity. ठीक है. Now, last है इसका, between F and focus and pole. And pole. So F is less than. F is less than U, ठीक है. और absolute value की बात करूं तो क्या बोलूंगा मैं? If I want to write it in absolute way, तब मैं क्या बोलूंगा? U की value जीरो से बड़ी है और किससे छोटी है? F से, focus से. देखो समझ पा रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ? Sign convention को लेकर दिक्कत तो नहीं हो रही है? No sir. बस खत्म है. क्या करेंगे दिव्यांशी? पहली लाइन कहां से पास करेगी? फोकस. विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकॉज पैरेलल है. याद रखना, हर रे को फोकस से मत पास कराना कभी, है ना. पैरेलल रे ही खाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दे विल ओनली पास. और ये जाएगी इधर से. क्या ये कभी मिलेंगी आगे जाके? No sir. No, they will never meet. तो अपन को कैसे मिलाना पड़ेगा इनको? Extend करेंगे पीछे की तरफ. Virtually, है ना? We'll कैसी बनी? Virtual. Virtual. So properties again. What are the properties? Virtual and direct. Virtual, direct, large, and large. Position? Behind the mirror. Behind mirror. So V is greater than
जीरो, ठीक है। आई होप सबको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, आ गई सारी समझ में। एक जल्दी से इनको कन्फाइंड फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में इधर बना देता हूं तुम्हारे लिए, है ना। तो इधर जल्दी से देख लो ऑब्जर्वेशन। सर पोल पे ऑब्जेक्ट हो सकता है? हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, बट कुछ भी उसकी इमेज चलेगी। हाँ ठीक है, बिकॉज रिफ्लेक्शन ही कुछ नहीं हो पाएगा पोल पे। तो देखो इधर, तो एक अपन जल्दी से एक ऐसा टेबलो फॉर्म में सारी चीजें लिखने का ट्राई करते हैं। कितने केसेस हैं अपने? 1 2 3 4 5 6 केसेस है ना, देयर आर 6 केसेस सर। हाँ बेटा। सर इन्फिनिटी वाले में वो तो मीट ही नहीं कर रही, पैरेलल रेज है, तो फिर कैसे इमेज बन जाएगी? बहुत बड़ी बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा मिल नहीं रही है, कहाँ मिल रही है जाके। देखो मनीष, मिलना दिस इज व्हाट यू कॉल नहीं मिलना, दिस इज व्हाट यू कॉल नहीं मिलना। इन्फिनिटी पे मिलना इज अ मिलना, बट बियॉन्ड आर, बियॉन्ड आर इसको। अरे मैं तुम्हें इसकी एक बहुत कूल वीडियो है यूट्यूब पे, मैं वो दिखा देता हूँ। 1 2 3 देखिए, तुम कभी नहीं देखी इसकी वीडियो? नो सर। देखते रहा करो यार, YouTube पे इतने लोग एक्सपेरिमेंट्स कर करके डालते हैं। है ना, 6 केसेस हैं, चलो जल्दी से देखो डिस्कस करते हैं इनको, 6 को। ठीक है, पहला केस क्या है? एट इनफिनिटी, है ना। सो ऐसे लिखते हैं अपन इसको, u इक्वल्स टू माइनस इनफिनिटी। इस केस में v क्या था? जीरो। फोकस एफ के बराबर पीता, फोकस कैसी थी? डिमिनिश्ड पॉइंट इमेज, ऐसा बोल देते पॉइंट इमेज, ठीक है। और हटा दो इसको। दूसरा केस क्या हुआ? जब यू जो था तुम्हारा वो किसके किसके बीच में रहा? माइनस इनफिनिटी और आर, आर, ठीक है। तो इस केस में तुमने क्या बोला, वी क्या आया तुम्हारा? V कहाँ आया था? R and बीच में, R और फोकस के बीच में, बीच में है ना, याद है? कैसी थी? इन्वर्टेड, रियल और डिमिनिश्ड थी? नहीं थी, इन्वर्टेड थी, रियल थी, और कैसी थी? डिमिनिश्ड। थर्ड केस क्या था बेटा? U इक्वल्स टू R था, कैसी थी? V इक्वल्स टू R था, सेम साइज, सेम साइज, रियल, रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। चौथा केस क्या था? U जब तुम्हारा बिटवीन R एंड X, ग्रेटर देन, तब कहाँ बनी थी तुम्हारी? माइनस इनफिनिटी और बीच में, आर के कैसी थी? इनवर्टेड, एनलार्ज, एनलार्ज्ड। अब ध्यान से मेरी एक चीज सुनना, देयर इज अ प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ लाइट रे। क्या? रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ लाइट रे। इन दो को ध्यान से देखो, आई वांट यू ऑल टू लुक दिस वेरी सिंसियरली एंड केयरफुली। क्या तुम्हें ये दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे लग रहे हैं? यस सर, यस सर। सो कीप इट इन माइंड, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट, रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल इन द सेंस कि इस केस में अगर तुमने जैसे डिस्टेंसेस सेम रखी हैं, है ना, इफ यू हैव केप्ट द डिस्टेंसेस सेम, तो सेकंड केस में जहां तुम्हारा ऑब्जेक्ट था अगर तुम वहीं पे इमेज बनाना चाहते हो तो तुम थर्ड केस पे जहां तुम्हारा इमेज है वहां पे क्या रख दो, सॉरी फोर्थ केस में जहां तुम्हारा इमेज है वहां पे ऑब्जेक्ट रख दो। याद रखोगे ये दोनों एक दूसरे क्या है? रिवर्सिबल है, जस्ट रिवर्सिबल। एक्चुअली सारी ही प्रॉपर्टीज एक दूसरे की रिवर्सिबल है, तुम अभी खुद ही देखते चलोगे। फिर तो अलग क्या हो जाएगा, जैसे अपन बात करें तो एट एफ, एफ, सो एट एफ यू इक्वल्स टू एफ, सो यू इक्वल्स टू एफ पे क्या है तुम्हारे पास? इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ये कैसी है? वर्चुअल, हाईली एनलार्ज्ड, रियल है, वर्चुअल नहीं है।
पीछे नहीं मिला रहे हैं, आगे ही मिला रहे हैं। देखो इधर ध्यान से, ये एक दूसरे की अब क्या होंगी, ये देखो ये एक दूसरे की क्या है, रिवर्स। यस रिवर्सिबल है। ठीक है, दिख रही है। सर। सर सिक्स वाला क्या था, फोकस पे एफ कहाँ बनी थी, के मिरर के बिहाइंड द मिरर। पीछे। वर्चुअल, कितना बोरिंग है ये। और इरेक्ट। एंड लास्ट इरेक्ट। ठीक है, ये पूरी क्या हुई तुम्हारी अब तक की ऑब्जर्वेशन की समरी लिख दी अपन ने। आई होप तुमको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मोस्टली को तो पहले से याद थी, फालतू तुम लोग ने कराई ये चीज, नहीं भी कराते तो चलता, बट ठीक है। बोलो क्लियर है। यस सर। मनीष डाउट क्लियर है तेरा वो वाला बेटा। सर। अच्छा एक ही केस पढ़ते हैं अपन, किसका, कॉन्वेक्स का। वैसे तो जेई वगैरह में वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है एक चीज, इमेज फॉर्मेशन। अच्छा यूसेज जरूर पढ़ लेना इसकी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा किसका होता है, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का, या प्लेन मिरर का। कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स होता शायद। शायद नहीं, पक्का होता है। कैसे देखते हैं, फील्ड ऑफ व्यू बनाना बताया था ना तुमको, चेक करो फील्ड ऑफ व्यू बना के। हाँ इस केस में तुम्हें नेगेटिव फोकस मिलता है ना, मतलब सॉरी पॉजिटिव फोकस मिलता है, बाकियों में नेगेटिव था। देखो इधर यहाँ पे ध्यान से, पोल फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो पोल फोकस सी, सब कुछ इसमें पॉजिटिव है, खाली क्या नेगेटिव होगा, इसमें एफ पॉजिटिव होगा। उसमें देखो इन सब में एफ नेगेटिव था, एफ क्या था तुम्हारा, नेगेटिव 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 था। इस केस में एफ क्या होता है, पॉजिटिव। फॉर याद रखना, फॉर कॉनकेव मिरर एफ इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव बट फॉर कॉन्वेक्स, बट फॉर कॉन्वेक्स इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। और सेम फॉर रेडियस ऑफ। कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया, ये आया और अपना रे यहां से ऐसे निकल गया, बट हमको क्या लगा कहीं पे वर्चुअली ये फोकस से पास और ये हो रही है, और एक रे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आएगी, जिस पाथ पे आएगी उसी पाथ पे वापस वापस चल जाएंगे। वापस चली जाएगी, बट अपने को लगेगा क्या, कि इमेज यहाँ कहीं फॉर्म हो रही बन है। रही है। तो इमेज कैसी है, प्रॉपर्टी क्या है, वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट इरेक्ट। स्मॉल याद रखना स्मॉलर। यू हैव टू लर्न कॉनकेव ऑलवेज फॉर्म्स एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज वाइल कॉन्वेक्स ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिस्ड क्या, वर्चुअल इमेज। बोलो याद इमेज रखते,
यही रीजन है गाड़ियों में क्या लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, बिकॉज वो हमको क्या दिख रहे होते हैं, छोटे छोटे लेंस से छोटे दिख रहे होते हैं। अच्छा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम गाड़ियों में ये यूज क्यों करते हैं, क्योंकि तुम अगर इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाओगे तो उसका फील्ड ऑफ व्यू कैसा होने वाला है, बड़ा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। सो हमें वाइड एंगल पे चीजें चाहिए, वी डोंट वांट, हमें नहीं चाहिए कि हमें 2 किलोमीटर दूर की चीज दिख जाए, बट मेरे जो जस्ट पीछे है वो ब्रॉड वे में मुझे चाहिए कि दिख जाए। दैट्स व्हाई वी यूज कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। पार्किंग लॉट में भी यूज करने का यही मोटिव है कि अगर मेरे को लेफ्ट मुड़ना है तो मेरे को वहां पे लेफ्ट से कौन आ रहा है वो चीज मुझे पहले ही दिखनी चाहिए, भले ही छोटी दिख जाए बट दिखनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी यूज कॉनकेव मिरर देयर, ओके कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स हम यूज करते हैं जहां हमें जूम चीजें देखनी होती है। कैसी चीज है? जूम जूम चीजें, जैसे दांत की कैविटी, ठीक है? ओके सर, क्लियर है सारी चीजें? अच्छा वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट को नहीं कराया तो जल्दी से भी वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ठीक है? सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है? करा दिया था क्या सर वो ग्राउंड वाले? तो हाँ वही वही करवा दिया था। यस सर कराया था या नहीं? प्लेन मिरर का नहीं बोल रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर का। अट्रे लड़की, फिर देख लो इसका भी देख लो। सो व्हाट इज दिस, वी विल अंडरस्टैंड नाउ व्हाट यू कॉल रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन क्या, वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इमेज फॉर कैसा मिरर, स्फेरिकल, फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ओके ओके सर, सी लुक हियर एवरीवन, सिंपल सादा सा टॉपिक है, जल्दी से समझ लेंगे इसको विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। इट्स वेरी सिमिलर टू दैट व्हाट यू हैव प्रूव फॉर द प्लेन मिरर्स, ठीक है? बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, जस्ट हेल्प मी आउट विद द थिंग्स बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी थिंग्स, है ना? स्वैग विद म्यूजिक, ठीक है ना? समझ आ रहा है बेटा? सर आ रहा है। कैसे कैसे नाम डालते हो सर? नाम मेरा ऋषभ है, एक दूसरे चैनल से जुड़ गया आज मैं। अच्छा ऋषभ, ठीक है ना? श्रुति, तरुण, विवेक, क्लियर है चीजें? एवरीवन को यारजू आज तो चल देखते हैं। तो अपने पास ऑलरेडी एक बना हुआ है, उसी को यूज कर लेते हैं। ये रहा है ना, बार बार क्या दूसरा बनाना। चलो वैसे हमें इसकी नीड है नहीं, वी डोंट नीड दिस, हमें इसकी नीड नहीं है। बट एक बात ध्यान से समझो, इसको प्रूव करने के कई तरीके हैं। अपन मैथमेटिक्स से प्रूव करते हैं। हाउ मेनी आर फ्रॉम द पीसीएम बैकग्राउंड? बहुत लोग। चलो जया, जया बेटा शांत क्यों है? अच्छा, वी ऑल नो फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला, वी ऑल नो व्हाट वी नो, वी ऑल नो, हमें मिरर फॉर्मूले से एक बहुत मस्त चीज पता है। क्या पता है? 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, u मैं बोलनी चाहिए थी, मैं बोल रहा हूँ। व्हाट इज u एंड v हियर, व्हाट इज u एंड v? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, इमेज। पूरा बोलो, पूरा बोलो। तुम्हारे घर से डिस्टेंस है? From sir, from pole. Distance of object and image from pole. From pole. If we want to calculate what you call the velocity, so velocity actually क्या होता है? सोच के आंसर करो। If you know the distance, Himanshu को कहीं किसी चीज की distance पता है। If I am asking you what is the velocity, तो velocity और distance में तेरे को कुछ relation पता है क्या दीपांशु? Sir, time से divide. Time से divide. मतलब can I say that in order to calculate क्या? Velocity. Velocities from the given distances, from the given values of distances या given distances हमें क्या चीज measure करनी होती है? वेलोसिटी क्या होती है उस डिस्टेंस का? क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। सो वेलोसिटीज फ्रॉम द गिवन डिस्टेंसेस वी हैव टू ऑब्जर्व व्हाट यू कॉल
रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज क्या यू एंड, हाँ यू एंड वी, यू और वी का रेट ऑफ चेंज देखना है। अब रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ही हैवी टूल है कैलकुलस का, एक क्या टूल है वो, इंटीग्रेशन। हमें पता है क्या डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ज्यादा लिख दी क्या, TATING, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कर दो टाइम से डिफरेंशिएट जल्दी से, आ जाओ चलो हेल्प मी आउट विद द डिफरेंशिएशन। 1 अपॉन f का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन f स्क्वायर, देखो 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 log f, log f बहुत प्यारा डिफरेंशिएशन किसका कर सकते हो, अच्छा चलो ये बताओ डिफरेंशिएशन किस चीज का कर सकते हो, इफ आई लास्क यू, इफ आई लास्क यू कैन यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ यश नैवार, नो सर, क्यों नहीं कर सकते, पता ही नहीं उसका, इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज यश इज अ कांस्टेंट, यश नैवार इज अ कांस्टेंट, इट्स अ फिक्स्ड पर्सन, देयर आर नो मेनी यश नैवार्स यू हैव, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, जीरो, अंडरस्टैंड इट, डिफरेंशिएट का मतलब क्या है कि मुस्कान अगर डिफरेंशिएट कर रही है टाइम की रिस्पेक्ट में तो इसका मतलब है वो टाइम देखती जा रही है और टाइम के साथ साथ क्या देखती जा रही है, चेंज इन वन अपॉन एफ, तो वन अपॉन एफ की वैल्यू मुस्कान अभी देखेगी, एक सेकंड बाद देखेगी, दो सेकंड बाद देखेगी, पांच सेकंड बाद देखेगी, दस सेकंड बाद देखेगी, क्या एफ की वैल्यू चेंज हो रही होगी, नो सर, नहीं, तो बेटा वन अपॉन एफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, जीरो, भले ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, भले ही ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी हो बट उससे क्या फोकस चेंज हो रहा होगा, फोकल लेंथ चेंज हो रही होगी, नो सर, व्हाई यू आर सेइंग वन अपॉन एफ स्क्वायर, जया सोचो तो बच्चा थोड़ा क्या कर रहे हो, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू डी बाई डी टी, अच्छा डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो मतलब ये वन अपॉन वी के साथ भी क्या हो जाएगा, अरे यार डिस्ट्रीब्यूट होता है मतलब ये वन अपॉन वी के साथ भी लग जाएगा और किसके साथ भी लग जाएगा, वन ओवर यू के साथ भी, चलो अब आओ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या, जीरो, जीरो, वी का वन अपॉन वी का डिफरेंशिएशन, कम ऑन, माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर, वी स्क्वायर नहीं आ रहा, वो इधर देखो, दोज हू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड लुक हियर, तुम्हें x की पावर n का डिफरेंशिएशन आता है क्या, यस सर, यस सर, यस सर, क्या होता है n x की पावर n माइनस वन, n की जगह पे अगर क्या है माइनस वन, माइनस वन, तो n की जगह माइनस वन पुट करोगे क्या आएगा, माइनस वन x की वैल्यू माइनस वन यानी क्या आएगा माइनस वन अपॉन x स्क्वायर चलेगा, अच्छा बट डिफरेंशिएशन का yes, एक रूल पढ़ा होगा, चेन रूल पढ़ा है, चलो किसी ने बता देता हूँ, तुमने वन अपॉन वी का डिफरेंशिएशन किया है टाइम की रिस्पेक्ट में, अच्छा यहाँ पे अपन वन अपॉन एक्स इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज अपन एक्स का डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स की रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में, तुमने पहले हाँ व्हाट इज चेंज इन वन अपॉन वी, अब तुम देखोगे वी में कितना चेंज है तो तुम लिखोगे डीवी अपॉन डीटी ना, वेरी सिमिलर वे यू विल गेट वन अपॉन यू डी यू अपॉन अब तो सबको आता है ना, नाउ एवरीवन नोस दिस इज वी आई अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर, लिख दिया भाई, ओ चलेगा, डीवी अपॉन डीटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स नथिंग बट व्हाट यू कॉल द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, एट द सेम टाइम इफ यू लुक हियर दिस डीयू अपॉन डीटी व्हाट इज इट, इट इज द रेट ऑफ चेंज, देखो डी यू बता क्या रहा है कि चेंज इन यू, चेंज इन यू मीन द पोजिशन ऑफ द इमेज और द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो यहाँ से तुमको एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला मिलता हुआ, दैट इज वी आई अपॉन वी ओ इज नथिंग बट माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, यस सर, अगेन याद रखना ये जो भी एनालिसिस है दिस एंटायर एनालिसिस इज समथिंग दैट इज ओनली ट्रू फॉर व्हाट, हाँ बहुत सुंदर है श्रुति, ये सिर्फ तब ट्रू है जब क्या है
वेलोसिटीज आर, या ऐसे लिखो वेलोसिटीज आर आर पैरेलल टू क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. दिस इज ओनली ट्रू व्हेन द वेलोसिटीज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अगर परपेंडिकुलर हो वेलोसिटीज तो क्या करोगे, फॉर परपेंडिकुलर वेलोसिटीज तब क्या फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला आई अपॉन ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू. यू परपेंडिकुलर मतलब क्या है, आई चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, आई आई ओ ओ चेंज हो रहा है, मतलब क्या चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो रही है, तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर बढ़ रहा है तो ओ चेंज हो रहा है, और ओ के साथ साथ आई भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको भी तुम टाइम के रिस्पेक्ट में यू कैन डिफरेंशिएट इट एंड यू विल गेट अ सम सिमिलर रिजल्ट. ठीक है, इसको भी तुम वैसे ही कर सकते हो, यू विल गेट द सिमिलर रिजल्ट. जैसे अगर इसको ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट सम सिमिलर रिजल्ट. ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसा, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि I का जो चेंज होगा अपॉन O का चेंज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ आता है. ठीक है, ये याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट एज सच, बिकॉज मेनली तुम्हें जो कैलकुलेट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा ऐसा पैरेलल, रेयर केस में ही वो देता है. ठीक है, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. क्लियर है फॉर्मूला? यस सर. रिफ्रैक्शन स्टार्ट करें आप? ओके सर. यस सर. कुछ इसमें रह तो नहीं गया, न्यूमेरिकल करोगे एक दो? यस सर. बिल्कुल सर. नो बोल रहे हो, यस बोल रहे हो सर? यस. यस सर. रिफ्रैक्शन अपन नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट कर लेते हैं, लास्ट 10 मिनट्स आर रिमेनिंग, सो देयर इज नो यूज ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू सेक्शन. क्या बोलते हो? Yes, sir. चलो देन लेट्स वर्क ऑन द न्यूमेरिकल्स देन. देखो स्फेरिकल मिरर कहीं पढ़ पा रहे हो? बहुत छोटा दिख रहा है सर ऐसे. ये तो प्लेन मिरर वाले क्वेश्चंस हैं, वो करने हैं स्फेरिकल मिरर्स वाले ना. लाया तो था यार. ये देखो, लेट्स ट्राई दिस. वेरी गुड क्वेश्चन. इसको ट्राई करते हैं. लो रीड आउट करो, रीड दिस क्वेश्चन आउट. क्वेश्चन दिख रहा है? बड़ा करूं? दिख रहा है सर. सो द क्वेश्चन इज लाइक वेरी वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो दैट देयर इज अ कार व्हिच इज फिटेड विद अ कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. अ सेकंड कार 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार इज ओवरटेकिंग द फर्स्ट कार एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड. द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द सेकंड कार एज सीन इन द मिरर ऑफ द फर्स्ट वन. वेरी कॉन्सेप्चुअल. ठीक है, पूछ क्या रहा है तुमसे कि स्पीड बताओ, किसकी स्पीड? याद रखना सारी स्पीड, ऑल द स्पीड दैट यू हैव कैलकुलेटेड इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम. टाइम ऑब्जेक्ट. मैं मार दूंगा बहुत तेज. स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज, उसको अलग एक्सेलरेशन बोलते हैं. तुमने डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला है. वेलोसिटीज जो मेजर कर रहे हो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ कार, रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना? क्योंकि सारी डिस्टेंसेस मिरर से थी, तो ऑब्वियसली जो वेलोसिटीज निकली है वो भी किसकी रिस्पेक्ट में होंगी? कार के. कार के या मिरर के. कहने का मतलब ये है, अपने लास्ट केस में अगर तुम्हें याद है तो मुस्कान जो भी डिस्टेंसेस मेजर कर रही थी वो मिरर से नाप रही थी. सो इफ शी इज मेजरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द मिरर, तो उसका रेट ऑफ चेंज भी जो वो नापेगी वो किसर से नापेगी? मिरर से ही ना. yes, तो वो भी मिरर के रिस्पेक्ट में है. चलो खैर इस क्वेश्चन को ट्राई करो. जम रहा है किसी से? नहीं बन जम रहा है क्वेश्चन. स्टार्ट करो थोड़ा सा. अच्छा वो तो लो, स्टार्ट तो लो. तुम्हें अच्छा पता है फॉर्मूला विच यू हैव टू अप्लाइड. अभी अपन ने निकाला है, क्या निकाला है? वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है? माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर.
है ना, लगाओ इसको, देखो क्या क्या निकालना है तुमको, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, एंड यू वेरी वेल नो दिस इज अ, दीज आर द स्पीड, स्पीड ऑफ और वेलोसिटी, ऑफ इमेज वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, एंड लकीली क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो तो वो पूछ भी क्या रहा था, स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द सेकेंड कार एज सीन इन द मिरर ऑफ द फर्स्ट वन. अभी कोई फर्स्ट वन की पहली कार के मिरर में देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम जो स्पीड वो तुमसे पूछ रहा है वो रिलेटिव ही पूछ रहा है ना, वो नहीं पूछ रहा है कि ग्राउंड पे खड़े होकर बताओ मिरर में कितनी दिखेगी, नहीं, रिलेटिव ही पूछ रहा है, सो नो नीड टू गेट, नो नीड टू वरी, है ना, इट्स इट्स इजी, करो इसको, करो आंसर बताओ. अ कार इज फिटेड विद अ कॉन्वेक्स साइड व्यू, फोकल लेंथ दिया गया है, सेकेंड कार 2.8 मीटर बिहाइंड, 2.8 ये क्या दिया है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस व्यू. So in order to apply the formula, what we have to do? First, we have to calculate V. Nikali kisi ne? Formula kya lagega? 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U. F kitta? 20 centimeter. Hmm? 20 centimeter. Kya Muskan sahi keh rahi hai? सर कॉन्वेक्स है सर. हाँ देखो सर ने लिखाया भी है क्या तुम्हारे या नहीं लिखाया है, सर ने तुम्हारे लिखवाया है कहीं पे, नहीं लिखवाया क्या, क्या लिखाया है सर, क्या लिखाया है सर ने, पॉजिटिव होगी, एफ इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव कौन से मिरर के लिए, कॉनकेव, कॉनकेव इसके लिए कैसी होगी, ये कौन सा मिरर होगा, अच्छा पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर होगा, कार में कौन सा होता है यूज, अभी वो भी बताया था मैंने, कॉनवेक्स कार में, वी हैव कार में वी हैव कॉनवेक्स मिरर, तो ऑब्वियसली हम कैसा लेंगे एफ, पॉजिटिव, इसको नहीं समझ में आया फिर से देख लो इधर, सपोज दिस इज द मिरर ऑफ द कार, तो तुम्हें पता है इसका फोकस क्या होगा, यहाँ कहीं होगा, दिस इज द फोकस, और जो भी इंसिडेंट रे आएगी वो कहाँ से आएगी, यहाँ से, मतलब अपन एफ जो मेजर करेंगे पोल से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके मेजर करेंगे, वी हैव टू मेजर दैट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ओनली, सो आई थिंक सबको क्लियर है, बोलो जया, लकी, नीरज, समझ में आ रही है चीजें, यस सर, ऋषभ, तरुण, विवेक, यस सर, क्लियर, चलो वैल्यूज पुट करो यार, मुझे आंसर बताओ, 1 अपॉन v वी हैव टू कैलकुलेट, u कितना आएगा, u पॉजिटिव या u नेगेटिव, सर नेगेटिव, U negative है ना, क्यों, क्योंकि सर अगर मेरी दूसरी कार इधर है, so I have to measure it with this reference. तो कितनी रखूंगा U की वैल्यू में, minus negative 2.8. एक काम करेंगे, वो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, लोचा नहीं हो जाएगा थोड़ा सा, 280 क्या कर दे, चलेगा, yes, एक जीरो से एक जीरो हटा दो माने तो, Yes, sir. Now, let's calculate the V. So, what is 1 upon V? 1 by 20 plus 1 by? 280. 20. Yeah. Kitti aayi V ki value? 2018 into 280 upon 300. Bolo yes or no? Yes, 0 sir. 0 se 0. Aur kuch cancel out ho raha hai kya? 0 se 0. और कुछ 8 2 16 6 1 करिए 2 4 8 किसी को कोई डाउट यहां तक नो सर चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशंस ओके मैंने कैजुअली करी है बिकॉज नाउ वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इन व्हाट फॉर्मूला सर इन द फॉर्मूला लेट्स अप्लाई द थिंग्स इन द फॉर्मूला करो भैया करो जल्दी जल्दी करो सो वेलोसिटी ऑफ इमेज उसने बोला है निकालो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखो उसने दी भी क्या हुई है रिलेटिव वेलोसिटी वेलोसिटी इज 15 बिकॉज हमें रखनी रिलेटिव वेलोसिटी ही है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर मींस वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कार खुशबू है ना जतिन दीक्षा क्लियर है मानशु जया ऑलबर्ट यस सर यस सर तुम लोग ऐसे बोलते रहो देखो करो इसको है ना मेरी कथा से तुम्हें कोई मजा नहीं आने वाली है Until unless you will solve it on your own, it won't benefit you. Chalo, velocity of object kitta?
कितना? 15 2.8 2.8 है? 15 है सर. वी स्क्वायर कितना? 2.8 के टेबल में कहीं तुम्हें पता है 56 आता है क्या? 10 बार में 2 times और ये भी 2 times तो कितना हो गया? देखो 2 to the 4 100 अपॉन 9 into 15 सॉल्व कर लो. देखो आंसर आ रहा है तुम्हारा जल्दी से. ऑल इन ऑल तुम्हें समझ में आ गया ना? अब कर तो लोगे ना सर? 15 ऊपर जाएगा ना. अच्छा 15 ऊपर जाएगा. ओके ओके आई थिंक अपन ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है. आंसर 1/15 आना चाहिए इसका. देख लेना वी हैव डन सम कैलकुलेशन एरर, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर करेक्ट. ठीक है ऑल इन ऑल तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कैसे करते हैं चीजें? यस सर. ठीक है यस सर. यस सर. ठीक है एक देखो जैसे ये क्वेश्चन है. अब इट्स वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ दिस क्वेश्चन बट यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करना, इसका होमवर्क करना, इसको इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई दिस ऑन योर ओन. इस क्वेश्चन में उन्होंने ध्यान से देखो, उन्होंने कहीं भी वेलोसिटीज नहीं दी, उन्होंने क्या दिया है? चेंज इन पोजीशन दिया और टाइम दिया, दिख रहा है? यस सर. तो ऐसे क्वेश्चन में तुम कभी भी ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ. ये वाला फॉर्मूला लगाना नहीं लगाना. क्यों? क्योंकि उनने यहाँ पे इसके जैसे अनलाइकली टू दिस क्वेश्चन जहां उनने एक्चुअली स्पीड दे रखी थी, यहाँ पे दे हैवन गिवन यू द स्पीड. तो अभी उनने यहाँ पे स्पीड नहीं दी है तो इसका मतलब वो तुमसे चाह रहे हैं कि तुम यहाँ पे स्पीड मत लगाओ, बिकॉज स्पीड की लगाओगे तो इश्यू हो जाएगा. तुम यहाँ पे क्या करो, उनने तुम्हें 2 U दे रखे हैं. क्या दे रखे हैं? U1 और U2. तो तुम इसकी रिस्पेक्ट में क्या निकाल लो? V1 V2. फिर तुम V1 V2 को, बिकॉज टाइम तो सेम है, तुम V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2 करके डिवाइड बाय क्या कर दो? टाइम तो सेम है ना ऑब्जर्वेशन का. यस सर. दैट विल बी वेरी इजी. इस पे अप्लाई करके देखना दोनों. टेक इट एज एन होमवर्क है ना. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ट्राई इट ऑन योर होम. उसके बाद कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज बाय करो. ओके सर. बाय सर. लास्ट स्लाइड दिखा दो एक बार. हाँ जय, मैं दिखा रहा हूँ.